हाय हेलो सत श्री अकाल माई ऑल डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूँ शिल्पा सूरी और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हैवी हेयर ऑयलिंग करने के बाद मैं अपने बेटे के बालों को कवर कैसे करती हूँ। तो इसके लिए वीडियो को ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं अपने बेटे का हेयर वॉश करवाती हूँ। हफ्ते में एक बार मैं उसका हेयर वॉश ज़रूर करवा देती हूँ। उसके बाद हैवी हेयर ऑयलिंग की जाती है और हैवी हेयर ऑयलिंग करने के बाद मैं कुछ इस तरह से अपने बेटे के बालों को कवर करती हूँ। सबसे पहले तो बालों में से सारे टैंगल्स को रिमूव करना होता है। तो बालों में से सारे टैंगल्स को मैंने रिमूव कर लिया और अब मुझे उसकी एक ब्रेड बना के जूड़ा बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, बालों में से टैंगल्स को मैंने रिमूव कर लिया, अब मुझे एक ब्रेड बनानी है। राजवीर के बाल काफ़ी पतले हैं तो जूड़ा थोड़ा हैवी जूड़े के लिए मैं उसके बालों में परांदी डालती हूँ। परांदी डालने से उसकी जो ब्रेड है वो काफ़ी हैवी हो जाती है और जूड़े की जो लुक है वो बहुत अच्छी आती है, जूड़ा हैवी हो जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये परांदी है जिसे मैंने तीन पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करके इसे बांधा हुआ है और तीनों में इसे इस तरह से लगाकर अब मुझे इसे ब्रेड के साथ ही परांदी को कवर करना है। परांदी डालने से जो ब्रेड है वो काफ़ी हैवी हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से मैंने परांदी को कवर कर लिया है ब्रेड में। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इस तरह से एक जूड़ा बना लिया है। अब मुझे इसे पटका बांधना है। पटके से जो बाल हैं वो पूरी तरह से कवर हो जाते हैं। रूटीन में भी राजवीर को सुबह स्कूल जाते टाइम मैं इसी तरह से पटका बांधती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से मैंने राजवीर को पटका बांधा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कीजिए। मिलूंगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।